हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है शिवराज। आज की वीडियो में हम बात करते हैं जीका वायरस के बारे में। जीका वायरस सबसे पहले साउथ अफ्रीका में एक युगांडा नाम की कंट्री है जहां पे 1947 में ये वायरस डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहले ये वायरस एक मॉस्किटो बाइट होने की वजह से एक मंकी में दिखाई दिया है। उसके बाद 1952 में जीका वायरस साउथ अफ्रीका में युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया नाम की एक दो कंट्रीज है जहां पे ये वायरस ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले डिटेक्ट हुआ था। जीका वायरस एक मॉस्किटो बाइट होने की वजह से ट्रांसफर हो जाता है। जनरली एडिस इजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो होता है जिसके बाइट की वजह से जीका वायरस ट्रांसमिट होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, यही एडिस इजिप्टी नाम का ये जो मॉस्किटो, इसकी वजह से भी हमें चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर जैसे डिसीज भी होते हैं। चलिए दोस्तों, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है समझते हैं। जब कोई भी वुमेन हो, वो प्रेगनेंसी में हो, तो इस केस में अगर उसको एडिस इजिप्टी नाम का मॉस्किटो बाइट हो जाता है तो जो भी बेबी बॉर्न होने वाला है उसमें ये ट्रांसफर हो जाता है। इसके अलावा कुछ अदर भी ऐसे मीडियम है जिसकी वजह से ये वायरस ट्रांसफर होता है। जैसे कि हम किसी भी जीका वायरस पॉजिटिव पेशेंट का ब्लड अगर किसी और पेशेंट को देते हैं तो इस केस में भी ये ट्रांसफर होता है। अगर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो जाए तो इस केस में भी ये ट्रांसफर हो जाता है। और किसी भी पॉजिटिव पेशेंट के ऑर्गन्स अगर किसी नए पर्सन को दे देते हैं तो उस टाइम पे भी ये वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि बुखार आना या स्किन पे रैशेस आना, मसल्स और जॉइंट में पेन होना या फिर हेडेक होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो कि जीका वायरस में दिखाई देते हैं। जीका वायरस अगर कोई भी वुमेन्स हो, वो प्रेगनेंसी में हो, उसके बेबी में ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो माइक्रोसेफेली नाम का एक डिसीज़ होता है बेबी में। जनरली इस डिसीज़ में क्या होता है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी होने वाला है उसका सिर, नॉर्मल हेड, वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जो भी बेबी होते हैं उसमें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।